दोस्तों मेरे पास सामने एक डायबिटीज के पेशेंट बैठे हुए हैं जिनका ब्लड शुगर इंसुलिन के बाद भी कंट्रोल नहीं आ रहा। खाली पेट आ रहा है? खाली पेट कितना आ रहा है आपका? 175 से 190। और खाने के बाद? खाने के बाद 270 तक। तो खाली पेट करीब 170 आ रहा, खाने के बाद 270 के आसपास आ रहा है। और आप बताइए जरा इंसुलिन कितना ले रहे हैं? प्रॉब्लम इंसुलिन कितना ले रहे हैं आप? इंसुलिन मेरे 15 यूनिट चल रहे हैं सुबह शाम को। 15 इंसुलिन हो गया मुझे 4-5 महीने से ज्यादा हो गया। संदीप नाम है। देखो क्या है कि आपका वेट कितना है? 85। तो इंसुलिन लगाने की गलती नहीं कर रहा हूँ, पूरा मिक्सिंग सही कर रहा हूँ। जय सिंह। तो देखो जैसा आपने इनका सुना वीडियो, भाई साहब का वेट 85 किलो है और इंसुलिन 15 सुबह 15 शाम लगा रहे हैं। इंसुलिन कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पे? इंसुलिन सर रात को बैचलर और मॉर्निंग में मिक्स स्टार्ट। तो इंसुलिन तो कोई ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी शुगर कंट्रोल इंसुलिन बाद भी नहीं आता है तो कुछ गलतियाँ होती हैं। सबसे पहली गलती होती है इंसुलिन डोज कम लगाना। आप सब जान लो नॉर्मली बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फॉर हर एक किलो पर 0.5 यूनिट पर केजी मिनिमम डोज रिक्वायरमेंट होती है। आपका यंग एज, एज कितना आपका? 32। यंग एज हो, जब भी डायबिटीज 35 साल से कम स्टार्ट होती है तो उनके अंदर इंसुलिन बहुत कम बनती है, बहुत कम। तो ऐसे में अगर मान लो हम आपको वेट के हिसाब से 0.5 किलो पर केजी पर डे जोड़ूं तो 85 डिवाइड बाई 0.5 इज 42 यूनिट। तो आपके वेट के हिसाब से मिनिमम 42 यूनिट चाहिए आपको कम से कम। तो सुबह 22 शाम 20 कम से कम डोज चाहिए आपको। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट हमेशा लगभग हाफ डोज स्टार्ट करते हैं, आधी डोज से। फिर मरीज से बोलते डेली शुगर चेक करो। डेली शुगर चेक किया, खाली पेट 120 के ऊपर आए रात एक बढ़ा लो, नाश्ते के बाद 180 पर आए सुबह एक बढ़ा लो। तो 22 सुबह 20 शाम स्टार्ट करेंगे, हर रोज़ एक ही बढ़ाते रहेंगे या एक दिन छोड़ के बढ़ाते रहेंगे। 22 रात को 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, सुबह 23, 24, 25, रोज़ एक ही बढ़ाते जाओ। हफ्ते 10-15 दिन के शुगर क्या हो जाएगी? नॉर्मल आ जाएगी। अब तब तक एक एक दो दिन बढ़ाते जाइए जब तक शुगर आपका 120 ना आ जाए। तो आपका शुगर कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप डोज कम लगा रहे हो। इसके साथ साथ आई होप कि आप डाइट प्रॉपर लेते होंगे, एक्सरसाइज भी करते होंगे। हमारा एक वीडियो है इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक, वो सुनिए। इंसुलिन इंजेक्शन में पेन सुनिए, डाइट सुनिए, एक्सरसाइज इन डायबिटीज सुनिए, सब पूरा वीडियो सुनिए, समझिए कहाँ गलती हो रही है, उसको करेक्ट करिए। आज आपको डोज सेट करेंगे, विद इन 7 डेज शुगर आपकी नॉर्मल आ जाएगी। आपने इंसुलिन बढ़ाया और शुगर कभी 80 आ जाए खाली पेट, तो थोड़ा 80 खाली पेट थोड़ा लो साइड चला गया, शुगर लो खतरा है। मान लो आपने इंसुलिन बढ़ाया, रात 30 लगा रहे हो और शुगर 80 आ गया या 75 आ गया तो लो खतरा है, तो आपने एक यूनिट घटा दिया। तो फाइनल सीखिए, खाली पेट 120 के ऊपर रात एक बढ़ाएं, खाली पेट 80 के नीचे एक सुबह घटा लें, नाश्ते के बाद 180 के ऊपर सुबह एक बढ़ा लें, और नाश्ते के बाद 120 से कम आने लगे तो लो खतरा बढ़ जाएगा, एक यूनिट घटा लें। इस तरह रोज बढ़ाते जाएं, शुगर विद इन हफ्ते 10 दिन शुगर नॉर्मल आ जाएगी। एक चीज और जान लें, हर एक यूनिट बढ़ाने से मैक्सिमम शुगर फॉल करता है 10 mg, इससे ज़्यादा नहीं फॉल करता है। क्लियर है? तो आपका खाली पेट कितना आ रहा? 170। इसको मुझे 120 लाना है तो मैं कितना बढ़ाऊंगा? रात को 5 बढ़ा दूंगा मैं। अब 5 बढ़ाऊँ तो मैक्सिमम शुगर कितना घटेगा? 170 माइनस 50, 120, इससे नीचे नहीं आता है। नाश्ते बाद 270 आ रहा, उसको मुझे लाना है 180 लाना है। तो इसको हम 10 के हिसाब से 9 बढ़ा सकते हैं, बट 9 नहीं 5 बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट समझे तो आई होप वीडियो अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी, कोई डाउट? तो हम अपने मरीजों को ट्रेन करते हैं कि शुगर 120 आप लो पहले कंट्रोल करके, नीचे बढ़ा बढ़ा के उसके नीचे हम 100 लाएंगे धीरे धीरे, वो टाइटर कंट्रोल चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा कि आपको शुगर कंट्रोल कैसे करना है।